साउंड सैंपल सुना देता हूँ। ये दो बार है, इसके ऊपर रखूंगा तो हो सकता है गिर सकती है। अब ऊपर वाली है ब्लूटूथ साउंड बार और नीचे वाली है जो मीवी की, ये है पावर वाली साउंड बार। ठीक है, कितना फर्क है साइज में वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन ऊपर वाली आती है 1700 रुपए की, नीचे वाली आती है 3000 रुपए की। लॉन्च हुई थी अभी, 3500 रुपए हो गई है, लगभग दुगुना फर्क है दोनों के प्राइस में। ठीक है, लेकिन क्या फर्क है साउंड में वो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलो 100% वॉल्यूम है। ये मेवी है और 55% वॉल्यूम है सिर्फ। और एक और सबसे गलत चीज होती है इस जूक वाले में, डिस्कनेक्शन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा बुरी चीज मेरे को ये लगी है, बट वो मैटर नहीं है। आपने एक छोटा सा सैंपल लिया है, अब सैंपल के तौर पे मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। बहुत सारे महानुभाव तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार इन दोनों का कंपैरिजन कहाँ बनता है। ये कंपैरिजन पता है क्या, ब्लूटूथ विद नॉन ब्लूटूथ साउंड बार के बीच में है, और प्राइस का कितना बड़ा डिफरेंस है। ये आती है 3500, 1700 से 1800 रुपए के बीच में। ये 24 वोट की है, ये 60 वोट की है, 80 वोट की है। अब कितना फर्क है देखो, सिर्फ एक ब्लूटूथ होने से ना इसका प्राइसिंग इतना हाई है और पावर आउटपुट इतना कम हो जाता है। इसमें आपको सबवूफर की भी जरूरत नहीं है, और ये इतनी प्यारी वॉल्यूम देता है, इतना धमक देता है, ये कहीं भी स्टैंड आउट नहीं होती है। अगर देखो दोनों में सिर्फ एक फर्क है पोर्टेबिलिटी का, ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल नहीं है। इससे ज्यादा बेटर तो मैं प्रेफर करता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर ले लो, साउंड बार मत ही लो, कोई यूज ही नहीं है इन साउंड बार्स का। आप साउंड बार क्यों लेते हो, टीवी में लगाने के लिए? इसमें कनेक्टिंग ऑप्शन सारे हैं, कनेक्टिंग ऑप्शन इसमें भी सारे हैं। ये टीवी से भलकना कनेक्ट नहीं हो पाएगी इजीली, क्योंकि इसमें आपको ऑप्टिकल वगैरह आर्क वगैरह का ऑप्शन नहीं दे रखा, इसमें ऑक्स का ऑप्शन है, जबकि आपकी इस साउंड बार में ऑप्टिकल आर्क के ऑप्शन होते हैं, जिसे आप डायरेक्ट अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, अपने सेटअप बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हो, वो इनमें ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा, अगर आप साउंड बार ले रहे हो तो साउंड बार का मेन यूज होता है कि आप उसको रख के एक जगह पे चलाओ। साउंड बार बेसिकली पर्पज उसी के लिए होता है, मेजरली जो मैंने देखा है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसमें 3 साउंड ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, 2 ड्राइवर हैं, 2 पैसिव बेस एडिटर्स इसमें दिए गए हैं, बेस वाले ड्राइवर्स दिए गए हैं। धमक बहुत ज्यादा है, सबवूफर की जरूरत नहीं पड़ती है। बजट 3500 रुपए, ये मत देखो आप ये देखो कि आपको ब्लूटूथ की सच में, सॉरी पोर्टेबिलिटी की, बैटरी वाली साउंड बार की सच में जरूरत है भी या नहीं, इसको आप कहां पे रख सकते हो। अगर आपको पोर्टेबल ही चाहिए तो फिर आप पोर्टेबल स्पीकर खरीदो, आप साउंड बार के लिए क्यों जा रहे हो मुझे आज तक समझ नहीं आया। साउंड बार की जो क्वालिटी होती है वो वोकल्स के लिए ज्यादा होती है, बट ऐसे साउंड बार लो ना जिसमें आप वोकल्स भी सुन सको, म्यूजिक भी, और सारा काम कर सकते हो। इसमें 3 मोड आते हैं, साथ में इसमें आपको रिमोट भी देखने को मिल जाता है जिसे आपको चेंज कर सकते हो, वो सारी चीजें। इन सब चीजों में वो नहीं है। इससे ज्यादा फीचर तो एक ब्लूटूथ स्पीकर में देखने को मिल जाते हैं, जैसे रियलमी का आया हुआ है और कोई आया हुआ, वो आप देख सकते हो। इनका डिजाइनिंग देखो, लेंथ ब्रेथ देखो कितनी बड़ी है, कंपनी का वारंटी दोनों में सेम आती है। इसकी आवाज सिर्फ तीखी है और इतनी बेकार सी आवाज है। हाँ, बहुत तेज है, लाउड बहुत है, लेकिन वॉल्यूम की क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम की क्वालिटी भी है, लाउड भी है, बेस भी है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो मुझे समझ नहीं आता जो लोग प्रेफर करते हैं साउंड बार को लेना, वो ब्लूटूथ साउंड बार की तरफ क्यों जा रहे हैं। ब्लूटूथ साउंड बार अगर एक अच्छी क्वालिटी की साउंड बार मिल रही है, देन आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है, हम ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि इनसे ज़्यादा अच्छा है आप एक स्पीकर में जाओ। ये इतनी बड़ी बनाई गई है, मैंने इसका टी डाउन भी किया है, आपने टी डाउन नहीं देखा तो वो जाकर देख सकते हो। कुछ नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ 2 स्पीकर हैं और एक यहाँ पे प्लेट है और एक बैटरी है। इतनी बड़ी में, ये इतनी सी साउंड बार में भी आ सकती है। बेवकूफ बनना बंद करो। साउंड बार खरीदनी है तो ये देखो, टीवी के नीचे रखनी है या फिर आपको कहीं जाने आने के लिए चाहिए, बजट कितना है। अगर आप इस बजट में ऐसी साउंड बार ले रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा आप ब्लूटूथ स्पीकर के लिए जाओ, वो इससे छोटे भी होते हैं, हालांकि उनकी वॉल्यूम इतनी लाउड नहीं मिलती है जितनी साउंड बार्स की होती है। अगर आपको स्पेशल वोकल्स के लिए चाहिए और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कहीं पे भी उठा के रख सकते हो, देन आप इनको प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज ब्लूटूथ स्पीकर और साउंड बार में जाना है तो थोड़ा सा आप बजट बढ़ाओ। हाँ, इसमें पोर्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक, आप दिल्ली
दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, मेट्रोपोलियन सिटीज में रहते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी आती ही है, जाती बहुत कम है, तो आप इनको यूज करो यार। ये ऐसी जगह के लिए होते हैं जहाँ गाँव वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, तो आप वहाँ पे इनको इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आजकल तो इन्वर्टर हो गए हैं सब जगह, बट इसकी प्रेफरेंस मैं तीसरे नंबर पर रखूंगा। अगर आपको साउंड बार चाहिए पहली बात, तो आप इन चीज़ों को प्रेफर करो, कम पैसे में ज्यादा धमक मिलेगी, ज्यादा साउंड क्वालिटी मिलेगी। और अगर आपको पोर्टेबल ही लेना है तो आप ब्लूटूथ स्पीकर्स को एक बार प्रेफर कर सकते हो, वो छोटे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अगर आपको वोकल्स के लिए चाहिए और ठीक ठाक बजट रेंज में चाहिए, देन आप इन साउंड बार्स के लिए जा सकते हो। तो मैं था, ये मेरा ओपिनियन आज का, और आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए इन दोनों में से बेटर कौन सा है। और इन दोनों की बात करूँ ना, तो मैं सिर्फ ये मेरी पहली चॉइस होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली आप ले क्यों रहे हो, साउंड की क्वालिटी के लिए ले रहे हो, और साउंड क्वालिटी आप पोर्टेबिलिटी को क्या झक मारोगे जब आपको साउंड क्वालिटी ही नहीं मिलेगी। तो उससे अच्छा तो ये है, इसको किसी भी कमरे में आप प्लग लगा दो और चल जाएगा। ये थोड़ा सा इशू इसमें होता है, अदरवाइज आप इसका जुगाड़ भी कर सकते हो, कोई बैटरी आप इसकी बना सकते हो पर्सनल लेवल पे, अगर आपसे बन जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। सो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। सो इतनी आज की छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन थी, और होप आपको अच्छी लगी होगी।